क्या है कोई पाखरू यहां जो हमसे बात करे? क्या कोई है यहां? क्यों बुलाया है मुझे? हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। जो होने वाला है उसके बारे में पूछना ठीक नहीं। हम तो बस ऐसे ही। जो तुम्हारे साथ बाद में होगा उसको अभी से जानकर तुम परेशान हो सकते हो। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कितने बुलंद बाला शजर खाक हो गए? ये बताओ कि ये शेर किसका? सर ये शेर परवीन शाकिर का। उनके रुखसारों से बहते हुए आंसू तौबा हमने शोलों पे मचलती हुई शबनम देखी। ये बताओ कि ये शेर किसका? सर असकर मेहदी। वेरी गुड। मैथ की तैयारी तो तुम्हारी है, लो भाई उर्दू की भी हो गई। मुझे यकीन है कि तुम पोजीशन लोगी इंशाल्लाह। मुझे पोजीशन लेके क्या करना है सर, बस पास हो जाऊं यही काफी है। मेरा है ही कौन जो खुश होगा। मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे सामने मायूसी की बातें मत किया करो। बाबर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा करो किरण को अपने साथ ले जाओ, इसे हॉस्टल छोड़ देना। अरे नहीं सर मैं चली जाऊंगी। अरे तो इसमें हरी जी क्या है, ये वहीं से गुजर रहा है, तुम्हें हॉस्टल छोड़ देगा। ठीक है सर जैसे आपको ठीक लगे। अबे ये क्या ड्रामा कर रहे हो भाई? ड्रामा नहीं फिल्म है, बैठ जा चुप करके। वो तो नजर ही आ रहा है। खैर कर क्या रहे हो? हम लोग रूहों को बुला रहे हैं। अरे पागल हो गए क्या, रूहों को बुला रहे हो? रूहें इतनी फारिग बैठी हैं, तुम लोग बुलाओगे तो आ जाएंगी। हाँ देख तू कुछ नहीं कर सकता ना, तो बैठ जा चुप करके। आज का नहीं सदियों पुराना फार्मूला है रूहों को बुलाने का, पहले भी रूहों को ऐसे ही बुलाया जाता था। कोई पाखरू यहां जो हमसे बात करे? क्या है कोई पाखरू यहां जो हमसे बात करे? क्या कोई है यहां? क्यों बुलाया है मुझे? हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। जो होने वाला है उसके बारे में पूछना ठीक नहीं। हम तो बस ऐसे ही। जो तुम्हारे साथ बाद में होगा उसको अभी से जानकर तुम परेशान हो सकते हो। नहीं नहीं हम तो बस छोटी मोटी बातें जानना चाहते हैं। पूछो। तुम ये बताओ माय दोस्त रोहेल की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? नहीं। अगर मुझसे नहीं होगी तो किससे होगी?
तुम्हारे बाप से। क्या उस लड़की को उसकी माँ बनने से रोका जा सकता है? क्या तुम हो यहाँ? क्या तुम हो यहाँ? और हंस, चली गई ना वो। तू भी तो हंस रहा था। तो तू भी तो हंसा। तेरे हंसने से गई है। अबे इंसान तो इंसान, रूहें भी तुझसे खेलती हैं। तुझसे मैंने एक बात करनी थी, एक मशवरा लेना। हाँ, मैं इसीलिए तो आया हूँ, तुम्हारी जरूरी बात सुनने के लिए। यार किरण है ना, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी स्टूडेंट। अरे उसके मकान का क्या हुआ? उसके चाचा ने कब्जा कर लिया था ना, उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद। अरे कुछ नहीं बना बेचारी का, हॉस्टल में रहती है, पैसा भाई उसके पास है नहीं। और तुम्हें मालूम है कि जमाना कितना खराब है, मैं डरता हूँ कि किसी गलत राह पे ना निकल जाए। तो उसे घर की जरूरत है और इस घर को औरत की जरूरत है। अरे ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, रॉयल की भी उम्र शादी की हो गई है, ये जोड़ बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे रॉयल अभी बच्चा है, उसने दुनिया में देखा ही क्या है। तो ये है कि मैं उससे निकाह करना चाहूँ। वाह वाह, बुढ़ापे में हरी हरी सूझ रही है। सुफियान मिर्जा, कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। अरे तो इसमें हर्जी क्या है? अब तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लाख समझाए कोई। देख मेरी बात मान, अब तू भूल जा उसको। यार देख, अगर हमें रूह बता सकती है क्या होने वाला है तो हमारी मदद भी कर सकती है। पागल हो गया यार, किन चक्करों में पड़ रहे तू? यार मैं किरण से मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। तू किरण से मोहब्बत करता है ना, तो जा उससे बात कर। ये रूहों क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? इन्वॉल्व तो तुमने किया था यार। अबे वो तो तफरी में किया था। देख इन चक्करों से दूर रह, ये चक्कर उल्टे भी पड़ जाते हैं। उल्टा ही तो पड़ा है यार, मेरे बाप को न जाने क्या हो गया। तू एक काम कर, अपने बाप से बात करने के बजाय किरण से बात कर। किरण राजी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। सही कह रही है। मैं दरअसल तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। सर मैं निकाह कर रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं कर रहा। किरण को भी कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज है। क्यों? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। है कोई रूह जो मुझसे बात करे?